फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं यूएस में किस तरह से अपनी कलर की स्थापना करती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक लाल कपड़ा लिया है, ये मैंने अपने कलर्स के लिए चौकी बना ली है कार्डबोर्ड से, और ये मैंने नारियल लिया है, यहाँ पर इस तरह का नारियल मिलता है। ये मैंने इसके लिए चुन्नी ली है लाल रंग की, ये मैंने चावल लिए, ये मैंने चंदन लिया है, और ये मैंने रोली ली है, और ये मैंने कलावा ले लिया है, और ये मैंने कुछ सिक्के ले लिए। तो फ्रेंड्स, इससे मैं कलश की स्थापना करूंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरह से मैं यहाँ पर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर किस तरह से कलश की स्थापना करती हूँ। फ्रेंड्स, हमें कलश स्थापना के लिए एक चौकी की आवश्यकता होती है। तो मेरे पास चौकी नहीं थी, तो मैंने इस कार्ड बॉक्स से ही तो पेपर से रैप करके चौकी की शेप दे दी है, तो मैं इसी पे अपना कलश स्थापना करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक मैंने लाल रंग का कपड़ा ले लिया, उसको इस तरह से बिछा लिया। इसके बाद एक लोटा लेना होता है, लोटा आप मिट्टी का, तांबे का हो या स्टील का भी ले सकते हैं, पर तांबे का और मिट्टी का पूजा में शुभ होता है। तो इसके लिए मैं थोड़े से चावल रख लेती हूँ नीचे। ऐसा बताते हैं कि कभी भी कलश की स्थापना बिना चावल के डायरेक्ट चौकी पर नहीं करनी चाहिए, तो मैंने थोड़े से चावल रख लिए, और इसको मैं कलावे से पहले बांध लेती हूँ। उसके बाद मैं उस पर रोली से स्वास्तिक बनाती हूँ। इसके अंदर ये कुछ पैसे, मतलब चांदी के सिक्के हो या कुछ इस तरह के हो, तो आप वो डाल दें। और मेरे पास ये डॉलर थे, तो मैंने डॉलर डाल दिए। आप इसमें चांदी के सिक्के भी डाल सकते हो, और कोई सुपारी हो तो सुपारी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास सुपारी नहीं थी, तो मैंने डॉलर ही डाल दिए इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी का जो कलश का जो मुख है उससे नीचे ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं एक प्लेट लेती हूँ, और प्लेट में मैं थोड़े से चावल ले लेती हूँ, क्योंकि नारियल को भी कभी भी डायरेक्ट ऐसे बर्तन में नहीं रखना चाहिए। उसके लिए हमें चावल लेके के ऊपर हमें नारियल की स्थापना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ पर यूएस में इस तरह के नारियल मिले हैं। एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमेशा इसका जो मुख होना चाहिए वो पूजन करने वाले की तरफ होना चाहिए, इससे घर में सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक मैंने लाल चुन्नी ले ली है, और मैं इससे इसको लपेट लेती हूँ, और इसको भी मैं कलावे से बांध लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसका मुख हमेशा पूजन करने वाले की तरफ ही होना चाहिए। देखिए, मैंने इस तरह से अपनी कलश की स्थापना करी है।